नंबर देखते हैं हम लोग 2n, प्रत्येक व्यंजक का गुणनफल करें। देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है इसके लिए, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। इसी आइडेंटिटी पे बनाना है। फर्स्ट नंबर से इसके देखते हैं, 512 एक्स का क्यूब माइनस का 125 वाई का क्यूब, कुछ कॉमन है नहीं ना, ये देखिए 8 एक्स का क्यूब हो जाएगा और माइनस यहाँ 5 वाई का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यही आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हो जाएगा देखो 8 एक्स माइनस का 5 वाई इंटू में 8 एक्स का स्क्वायर प्लस में 8 एक्स इंटू में 5 वाई और प्लस में 5 वाई का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका 8 एक्स माइनस का 5 वाई और इंटू में 64 एक्स का स्क्वायर प्लस का 40 एक्स वाई और प्लस का 25 वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका।